तो हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज रितेश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो होप सभी लोग बढ़िया होंगे। अब आप लोगों ने खुद देखा कि एक न्यू मोड जो है ऐड हो चुका है पबजी वाले, जो कि TDM ऐड हुआ है। अब इसे आप लोग कैसे खेल सकते हो और इसे खेलने के रूल्स कैसे हैं, मैं सही बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि मैं इसे खेल चुका हूँ अब, लेकिन बारी है इसे आप लोगों को समझने की। तो यार इस वीडियो में हम इसे पूरा तो जानेंगे ही एंड साथ ही में इस वीडियो के जो यूज इवेंट्स हैं उनको भी एंड में अनाउंस करेंगे। तो बस यही कहना चाहूँगा बिना किसी देरी के, यार आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि आप गेमिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हो तो मेरे भाई आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि आपने अभी तक रेड सैजो लीजेंड्स का जो गेम है उसके बारे में नहीं सुना होगा। अब ये एक RPG गेम है जिसने कि 6 महीने में ही 1.5 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड्स लिए हुए हैं और सबसे कमाल की बात ये कि ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में फ्री मिल जाता है। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ कि रेड एक बहुत बड़ा डार्क फैंटेसी गेम है। इसमें 400 से भी ज़्यादा चैंपियंस हैं जिन्हें आप कलेक्ट करके कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें आप 13 बेहतरीन इन गेम लोकेशंस में खेल सकते हैं और तो और इसमें आप ऑक्स, अनडेड, नाइट्स और एल्विस जैसे करेक्टर बनकर टीम अप कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। कुछ और फीचर्स बताना चाहूंगा कि इसमें मल्टी बैटल ऑटो मोड है जिससे आप अपने गेम प्ले को टाइम इफिशियंट और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसमें वीकली टूर्नामेंट्स और इवेंट्स होते रहते हैं। ये गेम बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है और अपडेट्स भी बहुत अच्छे चला रहा है, मतलब फुल मजा आ जाएगा ये गेम खेल के। भाई सही बता रहा हूँ, मेरी भी क्लैन है, अगर ज्वाइन करनी हो तो बंदूकबाज सर्च कर लेना। तो गाइस इंतजार किस बात का है, अभी डिस्क्रिप्शन की पहली लिंक को क्लिक करो और 50,000 सिल्वर और एक फ्री एपिक चैंपियन क्लेम करो जो कि आपको न्यू प्लेयर प्रोग्राम के अंतर्गत मिलेगा। सो गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये एक्चुअली में है क्या, कैसे काम करता है, ये मैप में कैसे खेलना है एंड उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि आप इसे अभी कैसे खेल सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये आपको केवल ईवो ग्राउंड मोड में मिलने वाले हैं और एक मैप नहीं बहुत सारे मैप ऐड होने वाले हैं और बहुत सारे अलग मोड होने वाले हैं। कुल मिलाकर जो लोग ये सोचते थे कि अब PUBG मोबाइल का जाने का टाइम आ गया तो मेरे भाई वो गलत है, नहीं अब उनके आने का टाइम आ गया। तो सबसे पहले बात करें, जैसे आप इस गेम को स्टार्ट करोगे तो गेम को स्टार्ट करने पर ही जो आपके सामने जो लॉबी मैचिंग होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट आएगी और डिफरेंट आने के साथ ही आपका मैप कौन सा सिलेक्ट है ये भी बताया जाएगा। कुल मिलाकर अमेजिंग फीचर है। अब जैसे ये गेम स्टार्ट हो जाएगा, गेम स्टार्ट होने के बाद बता दूं कि ये एक TDM मोड है जो कि हम अभी भी खेलते हैं लेकिन ये पहले वाले से डिफरेंट है। अब जब मैं इस गेम प्ले को रिकॉर्ड कर रहा था तो पता नहीं क्यों मेरा एक ग्लिच हो रहा था कि मेरा जो लेआउट है वो तो मैं अपना क्लॉक खेलता हूँ ना वही था, लेकिन मैं जब गेम खेल रहा हूँ तो वो थंब से खेल रहा था। तो मेरे गेम प्ले पे मत ध्यान देना, ध्यान देना इन सब चीज़ों पे कि क्या क्या है और कैसा है, मतलब सब कुछ। अब बात करते हैं रूल्स की। सो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इसमें एक न्यू फीचर लोड आउट के बारे में। अब ये लोड आउट क्या है, अब देखिए वैसे मैं यहाँ पे थंब प्लेयर से खेल रहा हूँ ना, मेरे गेम प्ले मत ध्यान देना, अगर शक होता है बंदूकबाज मेरा गेम प्ले का चैनल जाके देखना, फिर बता रहा हूँ यहाँ पे पता नहीं कुछ अलग ही ग्लिच था यार, मैं थंब से ही खेलना पड़ रहा है, खैर थंब से भी मैं बढ़िया ही खेल रहा था। अब बात करते हैं लोड आउट की, तो देखिए लोड आउट हम भी जानते हैं कि हमारा जो भी सामान है हमारे पास उसको लोड करने का, उसको ही लोड आउट बोलते हैं। तो ये वैसा TDM नहीं है कि आप आए आपको गन्स रखी हुई मिल गई एंड आप चलाना शुरू कर दिया और भाई साहब चिकन डिनर या तुमने मतलब विक्ट्री हो गए, जी नहीं गाइज। इसमें क्या होगा, इसमें आपको अपनी रैंक के हिसाब से और जो आपकी ईवो रैंक होती है ना, हमारी एक ईवो रैंक ऐसी कुछ बोलते हैं उसे, उस रैंक के हिसाब से आपके जो लोड आउट हैं वो इंक्रीज होंगे। अब मैं समझाता हूँ आपको आसान सी भाषा में। सबसे पहले बात करते हैं इस मैप की, तो मैप जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सेम कलर दिया है, अब पता नहीं क्यों इसे सिल्वर कलर का बनाया गया है, मतलब कुछ अलग ही है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें आप बाहर नहीं झांक सकते, इसमें हो क्या रहा है और छुपने के लिए गजब गजब की चीज़ें हैं, मैप भी आप पूरा देख सकते हैं। और सबसे कमाल की बात है इसमें ट्रैकिंग जो है ना वो बहुत अच्छी होती है, अगर आप मैप खोल के अगर किसी को ट्रैक करें तो वो OP सीन लगता है। अब इसमें मेरे को एक जो चीज़ जो बहुत गलत लगी वो ये कि जब आप, अब पता नहीं शायद ऐसा बीटा में भी हो सकता है लेकिन जब खेल रहा हूँ तो ऐसे ही लग रहा है कि जो बंदा है वो एकदम ऐसे आ रहा है, देखिए कुछ अजीब सा ही नहीं लग रहा आपको, कुछ हिलता उलता हो, कुछ अजीब अजीब सा लग रहा हो बंदा, मतलब वैसा नहीं लगता एकदम जैसे इसमें उत्साह हमारे अभी गेम में आता है, ये कुछ अलग ही तरीके से आ रहा है। हाँ तो मैं बात कर रहा था लोड आउट की, और लोड आउट है क्या, देखिए जैसे ही आपका ये वाला मोड आया और ये वाला मोड आने के बाद आपने गेम खेलना स्टार्ट किया तो आपको पहले एक लोड आउट में केवल एक ही गन मिलेगी। अब मैं बताता हूँ कैसे, देखिए जैसे अब मैं हूँ, मैंने जब से ये गेम खेला स्टार्ट किया मुझे केवल स्कारल मिल रही है, लेकिन अगर मैं किसी एनिमी को मारूँ तो मुझे दूसरी गन मिल सकती है, लेकिन जब मैं दोबारा मर जाऊँगा तो ये मेरे पास एक ही गन हो जाएगी। ओके अब जब आपकी ईवो रैंक बढ़ जाएगी, ईवो रैंक बढ़ने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ईवो रैंक किसमें मेरी बढ़ी भी है एंड में,
आई थिंक अगर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा तो नहीं दिखा पाऊंगा। जैसे ये वो बढ़ जाएगा आपको वहाँ पर, तो आप लोग देखते हैं कि अब जैसे आप यहाँ पर ये देखिए, ये एक लोड आउट है और इस लोड आउट में मैं इस गन के अलावा कुछ और सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इवन मेरे जो ग्रेनेड है वो भी लॉक हो चुके हैं, थ्रोएबल्स कुछ भी या कोई दूसरा वेपन, पिस्टल तक भी जो है वो मेरी यहाँ पे लॉक्ड है अभी। अब जब वो अनलॉक कब होगी, जब आपकी जो ईवो रैंक है वो बढ़ जाएगी उसके हिसाब से। सो गाइस, कहने का मतलब ये है कि इसमें आपकी जो ईवो रैंक है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब तक के जितने भी टीडीएम मोड थे हमारे या जो मैप्स थे उनमें ऐसा कोई भी मतलब नहीं था कि आपकी ईवो ग्राउंड से कोई मतलब है, लेकिन हाँ मेरे भाई इस मैप में जो आपकी ईवो रैंक है वो बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली है। अगर आपकी ईवो रैंक कम है सामने वाले प्लेयर से तो आप ये मान लीजिए कि आप जो है कमज़ोर गनों से मारे जाओगे, लेकिन अगर आपकी ईवो रैंक वहीं पर ज़्यादा होती है तो आपको मतलब फ़ायदा मिलेगा ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करने का, एंड साथ ही में हो सकता है कि आपके पास अच्छे वाले वेपन भी मिल जाएँ। अब जब बात इसी मैप की चल रही है तो इस मैप के बारे में हम आज सारी बातें ही जान लेते हैं। अब इस मैप के बारे में आपको ऐसे दो तीन फैक्ट्स बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात कि इस मैप का क्या सीक्रेट है, अभी क्या रहस्य है, कुछ नहीं पता चल रहा, मिस्ट्री क्या है, आखिर में ये मैप ऐसा है क्यों, कोई अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन हाँ यार, ये मैप सही में एक बहुत कंफ्यूजिंग सा मैप है। इसमें आपको टनल्स मिल जाते हैं अंडरग्राउंड, एंड एक अजीब से रूम मिल जाएंगे जैसे कंट्रोल टावर्स होते हैं वैसे कुछ करके, जिसमें कि आप इजिली छुप के या फिर एक तरीके से कैंप करके जो है अपने सामने वाले जो प्लेयर्स को डाउन कर सकते हो। अब यार इसमें पता है मुझे हर चीज़ समझ में आती है, लेकिन एक चीज़ अभी भी समझ में नहीं आती है, क्या हम भी जो है जो सामने वाले प्लेयर्स हैं उनके सामने ऐसे एक तरीके से रोबोट की तरह भाग रहे होते हैं, या फिर ये केवल हमें देखने में ऐसा लग रहा है, या फिर ये बीटा में प्रॉब्लम है। तो आप लोगों ने देखा कि जो ये लोड आउट मोड है ये कितना बड़ा मतलब एक तरीके से इसमें फीचर रहेगा इस वाले मैप में। अब आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ कि आपने जो सबसे स्टार्टिंग में एक वीडियो देखा था ना, एंड उसमें आपने कुछ अलग ही चीज़ देखी, गाड़ी को देखा होगा हवा में उड़ते हुए, एंड उसमें आपने देखा होगा कि एक कुछ आरपीजी टाइप भी लगी है। अब सही बताऊँ तो वो गेम प्ले भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, पर उसे दिखाऊंगा मैं आपको अगली वीडियो में, और उसे भी कैसे खेलना है वो भी बताऊंगा, और इसे भी बताऊंगा इसे कैसे खेलना है ना। तो बस एक काम जरूर करना है अगली वीडियो के लिए ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो थम्स अप जरूर करना। अब बात करते हैं कि देखो आपको इसे खेलना है, देखो कैसे खेलना है। तो गाइस आप लोगों को तो पता ही है 0.16.0 बीटा का गेम प्ले, तो इसके लिए जो क्या है आपको अपना बीटा डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका कि मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो खेलने में, या फिर कहीं मैं ऐसा ही नहीं कि आपको बोल दिया कि भाई आप खेलो, लेकिन हाँ मेरे भाई आप खेलोगे जरूर, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर खेलना है तो खेल लेना जाके। और भाई अब बात कर लेते हैं आज के अपने यूसी विनर्स के बारे में। सो गाइस हमारे जो पहले यूसी विनर उनका नाम है तुषार गांगुली, एंड हमारे जो दूसरे यूसी विनर उनका नाम है यहाँ पर रीता रंजित महतो, मैनी कांग्रेस टू देम। सो गाइस यही थी आज की जो पूरी लीक्स थी, एक मतलब पूरा गेम प्ले आप लोगों के सामने रखा है मैंने, और पूरी डिटेल दे दी है ताकि जब ये मोड आए आप लोगों को दिक्कत ना हो, और अभी आप लोग इसे खेलना चाहते हो खेल भी सकते हैं, ठीक है ना। मतलब सब कुछ कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे भाई अगर आपने अभी तक शैडो लीजेंड गेम को डाउनलोड नहीं कराया तो डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड साथ ही मैं अगर थोड़ा सा प्यार देखना चाहो इस वीडियो को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो गाइस मैं मिलूंगा आपसे एक कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।